कृष्ण गोपाल साहू है, मैं FI में IAS का छात्र हूँ। जैसा कि आपने हमारे पहले वीडियो में देखा था कि मैंने लंग्स एनाटॉमी के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराया था, जिसमें कि आज हम पार्ट टू पे जानेंगे रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी, मतलब कि बाहरी संरचना के बारे में। ठीक, इसके इसमें जिसमें अपना है रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या कहलाता है? रिस्पायरेटरी सिस्टम कहलाता है अपना जो रिस्पायरेटरी सिस्टम टू पार्ट में डिवाइड होता है, पहला रिस्पायरेटरी और दूसरा होता है सिस्टम, जिसमें कि रिस्पायरेटरी अपना होता है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन भी एक प्रोसेस होती है या प्रक्रिया होती है, जिसपे अपना क्या लिखा, प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड CO2 गिवन। इसका मीन्स क्या हुआ कि हमारा जो रिस्पायरेशन होता है उसमें हम ऑक्सीजन को इन मतलब अंदर लेते हैं और CO2 को आउट करते हैं, मतलब कि बाहर निकालते हैं, जिसमें कि अपना ये टू पार्ट होता है। इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन मतलब टू, इंस्पायरेशन मतलब O2 को लेना अपने मतलब किसी भी थ्रू, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया माउथ के थ्रू, नोज के थ्रू, मतलब O2 को अपने अंदर लेना। दूसरा वही है अपना एक्सपायरेशन, अगर हम O2 को लेते हैं तो उसका बाहर निकालने में मतलब ऑक्सीजन को या किसी O2 को भी निकालना पड़ेगा, तो जिसमें अपना होता है CO2 आउट होता है। वहीं पे अगर हम रिस्पायरेशन रेट की बात करें, नॉर्मली जो हमारा रिस्पायरेशन रेट होता है 12 से 18 ब्रीथ प्रति मिनट होता है। वहीं अगर हम नॉर्मल इंस्पायरेशन की बात करें, नॉर्मल मतलब इंस्पायरेशन, अब अगर हम एयर लेते हैं उसमें हमारे एयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, पहला नाइट्रोजन जो कि 78% इन, मतलब कि जब हम लेते हैं तो नाइट्रोजन कितना लेते हैं 78%, ऑक्सीजन कितने लेते हैं 21% और CO2 कितना वो करते हैं 0.3%। वहीं अगर हम पहले ये तो लिंक इन किए, वहीं अगर आउट करने की बात करते हैं तो नाइट्रोजन हम 78% आउट करते हैं और ऑक्सीजन कितना करते हैं 70, क्योंकि यहाँ पर खाली 21 और 4, मतलब यहाँ अपना डिफरेंस जो होता है 4 का होता है। वहीं अगर CO2 की बात करें तो ये जो CO2 है वही CO2 यहाँ पर निकल जाता है, तो यहाँ पर इसका रेट क्या हो जाता है, यहाँ पर जैसे वो हो जाता है 4% हो जाता है। ठीक, ये तो अपना इसके नॉर्मल वो हो गई। अगर हम यहीं पे अगर अपने रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें, रिस्पायरेटरी सिस्टम में एयर को हम लेते कैसे, एयर पे हम यहाँ पे डायग्राम पे दिखाते माउथ नोज या कि और भी किसी मतलब माउथ नोज की वजह उसमें से लेते हैं। दूसरा वहीं पर अपने इसके पार्ट होते हैं, जैसे फेरिंग्स, फेरिंग्स हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है नेसोफेरिंग्स, जो कि ये फेरिंग्स के आजू बाजू होता है। ठीक, वहीं पर दूसरा ओरोफेरिंग्स, तीसरा होता है लेरिंगोफेरिंग्स, ये यहीं पे प्रेजेंट होते, फेरिंग्स के आसपास प्रेजेंट होते हैं। वहीं अगर हम लेरिंग्स की बात करें, लेरिंग्स को हम नॉर्मली वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, ये वॉइस बॉक्स होता है जो कि EP glottis के पास प्रेजेंट होता है। वहीं अगर हम वॉइस बॉक्स के लेंथ की बात करें, इसके लेंथ की बात करें तो हमारा इसका लेंथ होता है 4.2 सेंटीमीटर। वहीं अगर हम इसके लोकेशन की बात करें, ये जो लोकेशन रहता है, अगर इसके लोकेशन की बात करें तो ये हमारा C3 से लेकर C6 वर्टिब्रा के बीच में प्रेजेंट होता है। वहीं अगर ट्रैकिया ये भाग होता है, ट्रैकिया जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, ट्रैकिया ये भाग होता है, फेरिंग्स ये भाग, लेरिंग्स ये भाग। अब ट्रैकिया भी क्या है, हमारा ट्रैकिया को नॉर्मली हम विंड पाइप के नाम से जानते हैं, जिसमें कि इसका लोकेशन होता है मिडिन नेक 6-3 से T4 वर्टिब्रा के बीच में होता है, ये जो लाइन रहती है ट्रैकिया। ठीक, अगर हम अगर इसके लेंथ की बात की, इसको नॉर्मली ट्रैकिया जो ये विंड पाइप होती है इसकी लेंथ क्या ज़्यादा होती है, इसलिए इसको मतलब लेंथ ज़्यादा होती है, कितनी 10 से 15 सेंटीमीटर। अगर हम वहीं इसके इंच में बात करें तो इंच में 4 से लेकर 6 इंच तक इसकी लंबाई थिकनेस होती है। थैंक यू।